नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। काफी समय से विद्यार्थी ये डिमांड कर रहे थे कि सर एक बार टाइम टेबल साझा करें कि हमें कैसे पढ़ना है, हमारी पढ़ने में नियमितता आ सके, ये सभी चीज के लिए। लेकिन अपनी जो क्लासेस थी साथियों वो कंटिन्यू चल रही थी, तो टाइम टेबल बताने का सेट नहीं हो पा रहा था। साथ ही साथ आप सभी को पता है कि मेरी परीक्षा में दोहरी ड्यूटी है, अभी एक नहीं दोहरी ड्यूटी है और बहुत वर्कलोड बढ़ा हुआ है। फिर भी कोशिश किया कि आज आपको टाइम टेबल बताएं कि एक तरीके से मतलब आपके जो अनियमितता है वो थोड़ी सी दूर हो सकते हैं और आपका रूटीन बन सके। टाइम टेबल जानने से पहले साथियों कुछ बातें जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधे आप टाइम टेबल पे आओगे, मेरा बनाया हुआ, मेरा थोपा हुआ टाइम टेबल आपके वैसे काम नहीं आने वाला है। इसमें क्या करना होता है, टाइम टेबल अपने जो दिनचर्या है, अपनी घर की जो परिस्थितियां हैं, अपनी जो परिस्थितियां हैं उसके ऊपर बनाया हुआ काम आता है, सबसे पहली बात। ठीक है, मैं आपको आज के वीडियो में टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है, सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड करना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सब बताऊंगा। जैसे अपन रणनीति बनाते हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें भी साथियों क्या होता है कि हमें रणनीति को बार बार चेंज करना पड़ता है और वो जरूरी भी है। मान लीजिए अभी एग्जाम में जैसे 6 महीने 8 महीने बाकी है, तो हम एक अलग रणनीति बनाते हैं और उसके बाद में जैसे हमारे सब्जेक्ट कवर होते जाते हैं वैसे ही रणनीति में परिवर्तन होता है। काफी सारे सब्जेक्ट ऐड करने पड़ते हैं, कुछ रिमूव करने पड़ते हैं, कुछ अदर एक्टिविटीज को ऐड करनी पड़ती है, कुछ टाइमिंग बढ़ता है, सब कुछ। तो जैसे जैसे वो चेंज होता है वैसे वैसे हमारा टाइम टेबल भी चेंज होता है। सबसे पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखनी है कि टाइम टेबल भी समय के साथ में बदलेगा। दूसरी बात कि आपकी परिस्थितियां कैसी है उसके अनुसार टाइम टेबल आपको बनाना है। तीसरी बात कि पढ़ने के लिए घंटे पहले से निर्धारित नहीं किए जा सकते, हालांकि टाइम टेबल अपन बनाते हैं तब अपन उसमें बिल्कुल फिक्स टाइम लिखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस फिक्स टाइम में ही वही चीज पढ़ी जाए। हो सकता है हमने 2 घंटे किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए निर्धारित किए हैं, लेकिन हमें इंटरेस्ट आ रहा है तो हम वहां पे अपनी मतलब दिन के हिसाब से और इंटरेस्ट के हिसाब से भी हमारा उस टाइम टेबल में परिवर्तन कभी हो जाता है। अब वो नियमित रूप से हो या अपने पार्टली हो उसका कह नहीं सकते, अपने इंटरेस्ट के ऊपर है। तो फिक्स नहीं है कि आप महाराणा प्रताप पढ़ रहे थे और आपने महाराणा प्रताप 2 घंटे के लिए जैसे राजस्थान जीके को उसमें सेलेक्ट कर रखा, महाराणा प्रताप पढ़ रहे थे, हल्दीघाटी के युद्ध का क्लाइमेक्स आया बिल्कुल और आपके 2 घंटे पूरे हो गए और आप उसको चेंज करें, ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि टाइम टेबल में अपन इसे मेंशन करते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो ये फ्लेक्सिबल होता है, इस चीज को ध्यान रखना। फिर अपन ने मान लो टाइम टेबल लिख के चिपका दिया अपनी डेस्क पर या अपने जो भी आप लाइब्रेरी जाते हैं जहां भी पढ़ते हैं वहां, और उसके बाद में अपन फिक्स देखो तो फिक्स इसमें ऐसे होता नहीं है। तो जो चीजें हैं फ्लेक्सिबल है। इसके अलावा मैं आपको एक सैंपल टाइम टेबल बताऊंगा, उसके अनुसार आपको अपने सब्जेक्ट के अनुसार सेट करना है और आपकी जो दिनचर्या है उसके अनुसार सेट करना है, ये चीजें हैं। ठीक है, पढ़ने के घंटे निर्धारित नहीं होते लेकिन कोशिश करना जितना अधिकतम आप पढ़ सकते हो, क्योंकि अब चारों तरफ पढ़ाई का माहौल है। चाहे तो आप खुद एक विजिट करके देख लो कि चारों तरफ पढ़ाई का माहौल है, सभी चाहते हैं कि नौकरी ले, और फर्स्ट ग्रेड आ गई है, सेकंड ग्रेड आ गई है, रीट आ गई है, कोई भी नहीं चाहता कि हम ये मौका, गोल्डन जो अपॉर्चुनिटी है इसको चूके। ठीक है ना, तो हर व्यक्ति जी जान लगाएगा, क्योंकि ये मान लीजिए ये साल है वैकेंसी का, उसके बाद में तो फिर इलेक्शन वगैरह आएंगे, तो 2-3 साल का बीच में गैप आएगा, शाश्वत सत्य है, कहीं कोई इसमें दो राय नहीं है। तो मैं टाइम टेबल वाली स्लाइड पे आता हूं। उससे पहले साथियों आप लोगों को ही एक मतलब ये कहना चाहूंगा, मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि अपनी लगभग अभी 10-12 दिन हुए हैं वन लाइनर को आए हुए और 20,000 से अधिक विद्यार्थियों की पसंद बन चुकी है, उनके पास पहुंच चुकी है। तो मतलब एक ये यूं कह सकते हैं ये ऐसे संभव नहीं है, ये सिर्फ तब संभव है जब विद्यार्थियों कि बहुत अधिक प्रेम और स्नेह मिल रहा हो, तभी यह संभव है। हालांकि जैसा मैंने आपको वादा किया था उसके अकॉर्डिंग ही इसमें काम किया है, इसीलिए ये विद्यार्थियों की पसंद बनी है, और इसके लिए मतलब धन्यवाद भी शब्द छोटा होगा। हालांकि विद्यार्थियों की प्रोत्साहन के कारण ही ये मैं कर पाया हूं, और जल्दी इसका सेकेंड पार्ट, अभी ये जैसे फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं या जो जानते नहीं है पुस्तक के बारे में, मैं अभी इस पुस्तक के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके लिए अलग से वीडियो बना चुका हूं, और मैं अभी इसके बारे में देखो कुछ बताऊंगा तो मेरी पुस्तक लिखी हुई है तो मैं तो तारीफ ही करने वाला हूं, सीधी सी बात है। तो इसके मतलब सही रिजल्ट को जांचने के लिए या तो आप
बुक स्टॉल पे जाके इसको देखें, या फिर अपने कमेंट सेक्शन में जो विद्यार्थी को विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं इसे उनके कमेंट आते हैं उनको पढ़ें, तो क्या होगा आपको ओरिजिनल चीज पता चलेगी। आप जैसे मैंने मेरी पुस्तक लिखी है मैं तारीफ ही कर लू, और कोई मेरे लेखक भाई है उन्होंने कोई पुस्तक लिखी है वो भी तारीफ करने, क्यों अपनी तरफ से हर व्यक्ति बेस्ट देने की कोशिश करता है तो वो भी तारीफ ही करने हैं, ठीक है। तो आप क्या करें कि कमेंट सेक्शन में देखें या जो पढ़ रहे हैं उन्हें पूछें कि वास्तव में कारगर सिद्ध है के यूं ही है, तो मतलब वो ओरिजिनल चीज निकल के सामने आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और प्रिंटिंग चालू है, स्टॉक जहां जहां कम पड़ा है वहां भी मतलब आपके सुलभ हो जाएगा। तो सभी आप कोशिश करें कि ऑफलाइन जो होते हैं ना अपने बुक सेलर जो कंपटीशन की बुक्स रखते हैं वहां से लें, तो आपको वैसे फिक्स रेट है लेकिन काफी बुक सेलर ने फायदा भी दिया अपना, मतलब उनका जो हिस्सा होता है उसको कम करके उन्होंने फायदा भी दिया है, तो बढ़िया बात है। लेकिन 250 से ज्यादा किसी को इस बुक के नहीं देने हैं क्योंकि ये फिक्स है। हाँ ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से मंगाते हैं तो उनका शिपिंग चार्ज होता है, वो ऑनलाइन वाले वो शिपिंग जोड़कर उनकी रेट अलग होती है, उससे हमें हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है साथियों। और ये जो बता रखा है साथ में टेस्ट सीरीज जो टॉपिक वाइज, मतलब टेस्ट सीरीज ऐसी है, ऐसा नहीं है कि दो तीन टॉपिक जोड़ के और फिर वो जो है सप्ताह में एक या दो, मेरे को ये चीज मतलब थोड़ी सी मेरे हिसाब से कंफर्टेबल नहीं लगती इसलिए मैंने इसको नहीं किया है। इसमें अपन ने रखा यह है कि जब भी विद्यार्थी ज्वाइन करे उसे एक नंबर से टेस्ट मिले, और टॉपिक वाइज का मतलब यह है कि आपने अभ्यास मतलब जो टॉपिक पढ़ा है उसी का अभ्यास हो, तो इसी हिसाब से जितने प्रश्न बनते हैं उन सभी को शामिल करते हुए अभी वर्तमान में 5 टेस्ट सीरीज अपने चालू है, रीट की फर्स्ट ग्रेड के अंदर, जीके की सेकंड ग्रेड, जीके की और साइंस की, और एक और टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो ये सारी इसमें चालू है, सेकंड ग्रेड एसएसटी की, और ये बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगी विश्व और भारत वाली। तो इसमें अपन ने दिया कैसे, जैसे आप मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव बुक ही लेते हो तो उसके अंदर आपको सारे एक चैप्टर के सारे क्वेश्चन मिलते हैं, उसी को बेहतरीन तरीके से मतलब उसी तरह से बनाकर कि एक टॉपिक उठाया तो वो पूरा क्लियर वहां पे एक एक टॉपिक पर अभ्यास करने के हिसाब से और लागत मूल्य में सिर्फ रखी है। कई विद्यार्थी अभी भी कमेंट आ रहे हैं कि सर इनको ज्वाइन कैसे करनी है, तो टेस्ट सीरीज की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है उसको देखें, वहां से आपको पूरे सब डिटेल वहां पे रिकॉर्ड करके बता रखी है उससे देखें। प्ले स्टोर से जीजीडी नाम का ऐप है, गौरव ज्ञान धारा यही नाम है, उसको इंस्टॉल करें। सामान्य सा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है और सामान्य सा बाय करने का प्रोसेस है, 5179 ऐसी लागत मूल्य में ही दी गई है, अनलिमिटेड क्वेश्चन जितने बनते हैं सारे और स्तरीय गुणवत्ता वाले क्वेश्चन है, तो मतलब अब बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, तो यहाँ पूछने की आवश्यकता नहीं कैसे ज्वाइन करें, सीधा सा प्रोसेस है और प्लेलिस्ट बन रखी है उसको अलग से आप देख लें। अब आते हैं साथियों अपन टाइम टेबल पर, टाइम टेबल इस चीज को समझना, ठीक है। जब तक आप इसे समझोगे नहीं तब तक इसमें हो सकता है कि आप फिर लगे कि ये चीज ऐसे है वैसे है। देखो साथियों हर व्यक्ति का नजरिया अलग होता है, किसी के लिए ये बिल्कुल सूटेबल हो किसी के लिए सूटेबल नहीं भी हो, तो मतलब ये अलग अलग होते हैं, जरूरी नहीं है कि मेरा बनाया हुआ टाइम टेबल सभी के लिए परफेक्ट है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपको अपने हिसाब से इसके अंदर बदलाव करना है। ये एक रूपरेखा मैं बता रहा हूं क्योंकि विद्यार्थियों की बहुत ज्यादा मांग थी कि सर एक बार बताएं, इसलिए मैं ये टाइम टेबल आपके साथ में साझा कर रहा हूं, तो ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि इस बात को समझ रहे होंगे, नहीं फिर बाद में फिर वही कोई कमेंट करेगा ये तो इतने घंटे नहीं पढ़ सकता, मत पढ़ो, घना ही जना पढ़ने वास्ते तैयार बैठा है, ठीक है। नौकरी भी लेनी कोई जरूरी नहीं है, घना जना लेने वास्ते बैठा है, 14-14, 15-15 घंटे धुनी ताप रहे हैं और मैंने देखा है, ठीक है। 24-24 घंटों के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है कई लोगों ने कि 24 घंटे में से जितने मिलेंगे उतने हम पढ़ेंगे, क्यों, हम इसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, हमें किसी भी तरीके से सिलेक्शन लेना है, और पागलपन की हद तक पढ़ते हैं, पागल होते नहीं है, पागल ही इतिहास रचा करते हैं, इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। हाँ कोई कहे पागल हो जाओ, पागल हो जाओ तो अभी कौन से कोई नियाल हो गए हैं, पागल हो जाओगे अभी कौन से कोई बिना नौकरी नियाल होगा के नहीं हुआ ना। देखिए साथियों सबसे पहले देखो सबसे बेहतर टाइम टेबल विद्यार्थी द्वारा स्वयं का बनाया हुआ ही होता है क्योंकि वो अपनी परिस्थितियों को देखते हुए बनाता है कि उसके अकॉर्डिंग क्या है, अनुकूल क्या है, ठीक है। कोशिश करें अपने जैसे आपको आइडिया नहीं आ रहा है तो मैं आइडिया ये दे रहा हूँ, उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से देखो कि मेरा ये उठने का टाइम है, मेरे घर की ये दिनचर्या होती है, मेरे लिए ये जरूरी काम है, इन सबको मुझे करना है, ये मैंने इसमें कहीं भी खाना खाना पानी पीना आपको कब सोना उठना बैठना ये निश्चित नहीं किया है, मैंने बीच बीच में गैप छोड़ रखा है ताकि आप उसको अपने हिसाब से मेंशन कर रखो। अब एक टाइम टेबल वायरल हुआ था रीट के समय, खैनी खाने का समय, विमल खाने का समय, गुटखा खाने का,
अरे शर्म कर लो, अरे ये कोई सिलेक्शन वाली बातें हैं क्या? जहां पे जिस विद्यार्थी को पढ़ना है ना, वो इन सब चीजों में पढ़ता ही नहीं है, सिगरेट पीने की, बीड़ी पीने की हद है। अरे मतलब बेरोजगार विद्यार्थी जो सताया हुआ होता है ना बेरोजगारी से, वो उसकी पीड़ा वो खुद ही समझता है। मजे लेने वाले मजे ही लेते रहते हैं, और बाकी जो पीड़ा से गुजर रहा होता है उसकी पीड़ा वही समझ सकता है। इन सब चीजों से उठकर जो तैयारी करता है वह सिलेक्शन पाता है। बाकी हंसी मजाक करने को पूरी जिंदगी पड़ी है, यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारी जिंदगी ही हंसी मजाक बन जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल बनाना है, जहां लगता है कि हम 12 घंटे पढ़ सकते हैं, 1 घंटा जबरदस्ती जोड़ो उसके अंदर कि मुझे 13 घंटे पढ़ना है, तब जाके सिलेक्शन होगा। ठीक है साथियों, देखो अब यहाँ पे इसमें निर्धारित यह करना है, मैंने आपके प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए अलग अलग टाइम डिवाइड किया है। ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 4 से 5 घंटे और यहाँ पे 7 से 8 घंटे, कम ज्यादा आप कर सकते हो, कोई फिक्स नहीं है कि गुरु जी 12 घंटे ही पढ़ना है क्या। नहीं, यदि आप 8 घंटे में वो मैटर याद कर सकते हो जो अन्य 12 घंटे में करते हैं, तो आपके लिए वो घंटे मैटर नहीं करते हैं। पढ़ने के लिए कंटेंट कितना आपको कवर हुआ है वो मैटर करता है। आपने सुबह उठकर जो टारगेट लिया है, टारगेट जरूर लेना सुबह उठकर, दिन का जो टारगेट लिया उसको आप कितने समय में अचीव कर लेते हो वो निर्भर करता है, घंटे निर्भर नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी एक अपन अनुमान लेकर चलते हैं कि इतना, मतलब टाइम डिवाइड इतना अनुपातिक रूप से इस तरीके से होना चाहिए। अब इसमें साथियों मैंने आपके डिवाइड किया है 2 घंटे राजस्थान जीके। ठीक है, राजस्थान जीके में अब आपके भूगोल भी आ गई, आपके ये कल्चर भी आ गया, हिस्ट्री भी आ गई। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट दे रखा है फर्स्ट पेपर के अंदर राजस्थान जीके, सेकेंड ग्रेड की बात कर रहा हूं। अपने हिसाब से आप स्कूल लेक्चरर और रेट में भी इसे सेट कर सकते हो। राजस्थान जीके की बात है, अब उसमें आप जब व्यवस्थित रूप से पढ़ने बैठे, थोड़े दिन में रूटीन बनेगा। ठीक है, एकदम से नहीं बनेगा, ऐसा नहीं कि गुरु जी हमने 12 घंटे बनाए लेकिन फॉलो नहीं हो रहा, फॉलो एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे रूटीन बनेगा, आपके इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, तो वहां घबराए नहीं। तो 2 घंटे राजस्थान जी के, इसमें से आप धीरे धीरे कवर करें सारे के सारे, अभी समय है, इत्मीनान से आप कर सकते हो पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है ना, लेकिन अब समय व्यर्थ करने के लिए नहीं है। 1 घंटा यहाँ पे मैंने आपको इंडिया और वर्ल्ड के लिए दिया है, वो इसलिए क्योंकि वेटेज थोड़ा सा कम है। जैसे आपका राजस्थान जीके बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाता है, आप अभ्यास साथ साथ में जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से वगैरह करते हो या किसी से भी करते हो साथ साथ में, तो आपकी टॉपिक पे बहुत अच्छी पकड़ होती जाती है। उसके बाद में आपके जैसे ही कवर हो जाता है तो आप इसका टाइम इसमें बढ़ा सकते हो इंडिया और वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, लेकिन वेटेज को ध्यान में देते हुए समय का विभाजन करना चाहिए। इसके बाद में 1 घंटा दिया है मनोविज्ञान के लिए। अब मनोविज्ञान का यदि देखा जाए साथियों, सिलेबस बड़ा नहीं है, यूनिट वाइज देखोगे तो 5-6 यूनिट है, लेकिन समझने के लिए समय लगता है। मनोविज्ञान में 1 घंटा ही इसलिए दिया है क्योंकि आप सभी रीट की तैयारी करके आए हैं, तो मनोविज्ञान आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से मनोविज्ञान आप पढ़ के, आपको सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत है और अभ्यास की जरूरत है कि अभ्यास में हमारे कहाँ कहाँ गलतियां हुई थी, हम कहाँ कहाँ कट रहे थे। ज्यादातर विद्यार्थी अभ्यास में कटते हैं, ठीक है, याद होते हुए भी अभ्यास में कट जाते हैं क्योंकि अभ्यास की कमी रहती है। तो यहाँ पे फिर क्या करना है आपको, मनोविज्ञान 1 घंटा दे दिया है, 1 घंटा इसीलिए मैंने यहाँ पे अभ्यास के लिए दिया है। ठीक है, अब अभ्यास 1 घंटा, अब यहाँ पे जैसे अभ्यास तो ऐसा है कि टॉपिक जैसे अभी टॉपिक वाइज के लिए, ठीक है, मॉडल पेपर फुल वाले अभी मत मिलाना कभी भी, क्योंकि अभी तक आपकी पूरी तैयारी नहीं हुई, आपके वहां सवाल गलत होंगे तो थोड़े इस बैकफुट पे आ जाओगे। टॉपिक वाइज ताकि एक टॉपिक उठाए, अब हमारी कहाँ कमी है, कौन से प्रश्न गलत हो रहे हैं, किस टॉपिक के किस भाग पर ज्यादा वेटेज देना है, ये सब चीजें आपके वहां पे मैटर करेगी। तो 1 घंटा आपके लिए क्या है, अभ्यास करें टॉपिक वाइज। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ जीजीडी की टेस्ट सीरीज ही आपको अच्छा अभ्यास करवा सकती है, यदि आपको कोई और प्लेटफॉर्म भी अच्छा अभ्यास करवाता है वहां से करें, लेकिन अभ्यास करें जरूर, ये मैं कहना चाहूंगा, अभ्यास के बिना आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी, तो अभ्यास जरूर करें, ये बहुत अहम रोल होता है। अब इस मैटर को आप किस तरीके से अभ्यास में शामिल करोगे वो आपका लुकआउट है। ठीक है, अब बात आती है समसामयिक की, यानी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है साथियों, परीक्षा के 2 माह पहले, क्योंकि वही पूछा जाएगा। अभी जैसे करंट अफेयर्स आप पढ़ भी लोगे कोई समस्या नहीं है, यदि समय सेट होता है 10-15 मिनट 20 मिनट पढ़ भी लेते हो तो अच्छी बात है, लेकिन करें क्या कि करंट के लिए एक अलग से जैसे वीडियो बनाया था मैंने, 2-3 महीने हो गए उसको, करें क्या कि उस समय 2 महीने पहले वार्षिक अंक आएंगे। ठीक है, 6 माही अंक आएंगे, वार्षिक अंक आएंगे, उनको लाए और बढ़िया तरीके से
बुनाए होंगे, वो बहुत काम आते हैं। और वो आपको मतलब मान लो कि जैसे कहीं 10 सवाल आने हैं तो वहां से 8 आपको सही करके वो दे देंगे, तो लास्ट 2 महीने के अंदर, क्योंकि फिर क्या होगा ये चीजें कवर होने लगेगी, तो उसमें आप समसामयिकी को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इसमें समय बचेगा फिर। ठीक है, ये हो गई आपके पहले पेपर की रणनीति जो सभी के लिए कॉमन है, सभी के लिए समान है। अब आते हैं सब्जेक्ट पर। अब सब्जेक्ट क्योंकि सभी के अलग अलग है, SST वालों के SST, इंग्लिश वालों के हिंदी इंग्लिश, हिंदी वालों के हिंदी, साइंस वालों के साइंस, सबके अलग अलग है, तो अपने सब्जेक्ट के अंदर कितने पार्ट आते हैं, जैसे कि SST के अंदर 8 सब्जेक्ट है, तो उनको आपके हिसाब से अलग डिवाइड करना है। SST को मॉडल बनाकर मैंने एक मॉडल टाइम टेबल बनाया है जो मैं अभी आपको समझा दूंगा क्या कैसे है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है, सभी सब्जेक्ट वाले ध्यान देना कि अपने सारे सब सब्जेक्ट यानी कि एक सब्जेक्ट के अंदर कितने, जैसे साइंस के अंदर केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब अलग अलग, फिजिक्स वगैरह होते हैं, SST के अंदर 8 सब्जेक्ट है, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र वगैरह, ये तो इनको 50-50 में बांटे। अब इस बात को समझना है यहाँ पे, यहाँ यदि इसको नहीं समझोगे तो आपको लगेगा कि सभी तो कहते हैं कि सभी सब्जेक्ट को बराबर वेटेज देना चाहिए, आप कह रहे हो कुछ को अभी दें कुछ को बाद में, इसको समझना है यहाँ पे कि 50-50 में बांटे उनको। ठीक है, अब क्योंकि अभी जैसे सिलेबस ही कवर नहीं हुआ है तो अब क्या करें, 50% में बांटकर 50% को पहले बहुत अच्छी तरीके से सिलेबस को कवर करें। ठीक है, वो कवर हो जाएगा, उसके बाद में जो बचा हुआ 50% है उसको उठाना है। अब बचा हुआ जो 50% है उसको जब अपन ने उठाया है, तब ये जो सिलेबस 50% पहले कवर कर लिया था उसको रिविजन के अंदर शामिल करना है, फिर आपके 7 वाला चक्र चलेगा। जब तक आप मतलब 8 सब्जेक्ट SST के अभी से 8 को अलग अलग बांट दिया तो बहुत समय लग जाएगा आपको पूरा सिलेबस कवर होने में, और कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको यह करना है कि पहले मतलब जितने सब्जेक्ट आपके कवर हो जाते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा और आपकी तैयारी भी बूस्ट होगी। तो यहां पे आपको करना क्या है, 50-50 में बांट लेना है कि मुझे पहले ये 4 सब्जेक्ट कवर कर लेने हैं सिलेबस पूरी तरीके से, इनको टाइम डिवाइड करके बांट लिया, उसके बाद में फिर दूसरे जो 4 सब्जेक्ट को कवर करना है तो ये साथ में फिर रिवाइज होते रहेंगे, फिर आपके पूरे सब्जेक्ट वाला चक्र चलेगा। ये सबसे बेस्ट रणनीति है, जिसकी समझ में आ गई वो बढ़िया, नहीं समझ में आई वो यही कहेगा कि हम तो अभी से इसको डिवाइड करके। देखो अपनी अपनी रणनीति है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेरी थोपी हुई चीज को ही आपको करना है, यदि आपको अच्छा लगता है तो फॉलो करें इस चीज को, नहीं तो आप अपने हिसाब से अलग से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको बांट कर क्या करें कि पहले एक बार सिलेबस पूरा करना है, फिर पूरा सिलेबस अलग से बांट कर, ये चीज टाइम टेबल आपको टाइम टेबल बनाना है इसके अनुसार। एक सैंपल टाइम टेबल SST का मैंने यहाँ पे शेयर किया है, 13-13.5 घंटे का है, जिन्हें ज्यादा लगे ना वे कम कर सके राजी खुशी, जिन्हें कम लगे ना वे ज्यादा कर सके राजी खुशी, कोई जबरदस्ती कौन है। ठीक है, हम यूं है कि जितने घंटे पढ़ लो थे वो ही बढ़िया है, मतलब जितना पढ़ लो ना, जितना समय मिलता है उतना पढ़ लो तो बढ़िया है, क्योंकि अब धीरे चलने का समय भी नहीं है, अब तेज भागने का समय है। वास्तव में बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होता, पढ़ने वालों का ही सिलेक्शन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे फिर यदि कम ज्यादा लगे अपने हिसाब से देख लेना, बाकी मेरे ख्याल से अब जितना समय धीरे धीरे, जैसे 7-8 घंटे की सीटिंग हो रही है, धीरे धीरे 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे धीरे धीरे इंटरेस्ट के हिसाब से होने लगेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है एकदम से ये फॉलो हो। अब कई जना के गुरुजी परिस्थितियां ही अनुकूल नहीं होती, किसी के नहीं होती, सभी के प्रतिकूल होती है। आपके 13 घंटे का सेट नहीं हो रहा, आप 10 घंटे का करें, 9 घंटे का करें, करें तो सही शुरू, धीरे धीरे अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, परिस्थितियों को दोष देने से कुछ नहीं होने वाला है और इसका कोई समाधान भी नहीं है, कोई दुनिया की कोई ताकत इसका समाधान नहीं बता सकती। तो सैंपल टाइम टेबल है साथियों ये, जैसे सुबह मान लीजिए 5 बजे उठ जाते, जरूरी नहीं है 5 बजे उठे। ठीक है, मेरे जैसे जो है रात को 3 बजे तक पढ़ते थे, सुबह लेट उठते थे, क्योंकि रात में अच्छी पढ़ाई मेरे से होती थी, तो किसी से सुबह अच्छी होती है। तो ये एक सैंपल टाइम टेबल है, इसीलिए कहा है कि आदर्श टाइम टेबल कह सकते हो इसको। जैसे सुबह 5 बजे उठते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि माइंड बिल्कुल है ना, एकदम से उठे हैं तो एकदम से याद अपन कर भी नहीं पाएंगे नई चीजें, थोड़ा सा गाड़ी को पिकअप पकड़ने में थोड़ा सा समय लगता है, मौसम बनने में समय लगता है। तो इसमें करें क्या, एक तो फ्रेश माइंड होता है, तो यहाँ पे क्या करें कि रिविजन करें। सबसे पहले आपने कल क्या पढ़ा था उसका आज थोड़ा सा दोहरान किया जाए, तो दिमाग है ना बिल्कुल सक्रिय अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, और आपका पिछला पढ़ा हुआ भी आपके रिवाइज हो जाएगा, तो एक रैपिड रिविजन करें यहाँ पे जो कल पढ़ा था उस पूरे मैटर का। ठीक है, एक नजर डालोगे धीरे धीरे वो कंठस्थ हो जाएगी चीजें।
उसके बाद में क्या करें, 7 बजे से, देखो आधे घंटे का गैप दिया है आपके बीच में, यदि कोई भी काम है तो 7 बजे से 9 बजे तक राजस्थान जी के, जैसे ये टाइम टेबल फॉलो करते हो तो राजस्थान जी के क्लास भी ले सकते हो यदि कोई ऑनलाइन देखते हो, यदि जैसे कहीं कोई बैच ले रखा है आपने, कहीं कोई कोर्स ले रखा है किसी कोचिंग का, तो वहां से भी देख सकते हो, कहीं जिनके नहीं ले रखा है और अच्छी तैयारी चल रही है और जिनको किसी किसी टॉपिक में ही समस्या आती है तो सिर्फ वे टॉपिक देखें यूट्यूब से जिनमें समस्या है, जो जैसे अपनी निःशुल्क क्लासेस से पढ़ रहे हैं रेगुलर क्लास देखते हैं तो वो वहां पे भी देख सकते हैं, जब अपलोड होती है तब भी देख सकते हैं, वो अपने हिसाब से सेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या राजस्थान जीके के लिए 2 घंटे का समय यहाँ आपने निर्धारित कर लिया, फिर 9 से 10 बजे तक का गैप दिया है बीच में, क्योंकि कई काम होता है, कई महिलाएं भी है उनके भी काम होता है, कई पुरुषों के भी काम होता है, नहाना नाश्ता वगैरह सब, तो यहाँ पे 1 घंटे का गैप है। उसके बाद में 10 से 11 बजे तक अपन ने मनोविज्ञान को रख लिया जैसे, ठीक है, मनोविज्ञान 1 घंटा पढ़ लिया, मनोविज्ञान में ज्यादातर के रिवीजन चलेगा तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी, 1 घंटा भी काफी है यदि व्यवस्थित रूप से पढ़ा जाए। उसके बाद में फिर आधे घंटे का गैप है, कोई और भाई पढ़ता पढ़ता कई जना बोर हो जाए, कई जना उठनो पड़े, नहीं उठते हो तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, फिर भी मैंने एक हिसाब से यहाँ पे गैप दिया है, तो 11:30 बजे से 1:30 बजे तक, ठीक है, 2 घंटे। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट को शामिल किया है SST का, इतिहास प्लस दर्शन शास्त्र। इतिहास प्लस दर्शन शास्त्र इसलिए किया है क्योंकि इतिहास से ही मिलता जुलता सब्जेक्ट है दर्शन शास्त्र, ठीक है, यहाँ पे इतिहास के ही आपको व्यक्तित्व मिलेंगे, उनकी विचारधाराएं मिलेगी, तो इतिहास प्लस दर्शन शास्त्र का कॉम्बिनेशन बढ़िया रहता है। तो ये 2 घंटे यहाँ पे इतिहास और दर्शन शास्त्र के अपन ने दिए, शिद्दत से पढ़े तो धीरे धीरे अपना पूरा जो है सिलेबस कवर होता जाएगा, ठीक है। फिर अपन ने यहाँ पे 1:30 बजे से मान लो खाना वाना खाना है, आपको थोड़ा बहुत रेस्ट भी करना है, सब कुछ जो भी अदर काम है वो वाले दे दिए यहाँ, क्योंकि खाना खाने के बाद कई जनों को नींद आती है, गर्मी का समय गणजना छाछ वगैरह पी ले तो मुझे नींद आवन डूब गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1:30 से अपन ने यहाँ 4 बजे तक का समय फ्री रखा है, 4 बजे फिर वापस से आपकी गाड़ी पिकअप पकड़नी चाहिए, 4 से 5 बजे आप पढ़े इंडिया और वर्ल्ड, क्योंकि सो के उठे हैं वापस फ्रेश माइंड होंगे, ठीक है, तो इंडिया और वर्ल्ड जीके पढ़े, जहां पे काफी सारी चीजें नई भी पढ़ने को मिलती है, तो फिर वहां पे आप इंडिया और वर्ल्ड जीके को ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि 1 घंटा ही, बढ़ा भी सकते हो अपने हिसाब से, 4 से 5 पढ़ लिया, 5 बजे आप सब्जेक्ट चेंज करें वापस समाज शास्त्र, ठीक है, SST वालों के लिए आदर्श टाइम टेबल बता रहा हूं, समाज शास्त्र ले लिया फिर, ठीक है। अब समाज शास्त्र ऐसा विषय है जो रेगुलर पढ़ने में नहीं आता और कुछ मतलब अवधारणाएं आती है उनको समझना होता है सारी चीजें, तो यहाँ पे अपने 2 घंटे दिए हैं एक अकेले सब्जेक्ट समाज शास्त्र को, ठीक है। यदि इसको निरंतर फॉलो करते हो तो देखना 2 महीने के अंदर ही आपके सिलेबस कवर होने लगेगा और फिर रिविजन स्टार्ट हो जाएगा, बेस्ट सूट होगा आपके लिए। फिर अपने 7 से 8 बजे का समय दिया है ऑनलाइन स्टडी, अब या तो यहाँ क्लास देख ली है या बीच में कहीं देख ली तब तो बात अलग है, नहीं ऑनलाइन स्टडी आजकल सभी करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करता है, चाहे टॉपर है वो भी ऑनलाइन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंटेंट देखेगा, या तो मोटिवेशनल देख लिया या कोई भी। अब ये समय इसलिए लिया है साथियों कि संध्या का जो समय होता है ना वहां पे पढ़ाई करने की इच्छा बहुत कम होती है, मैंने मेरे ऊपर लेकर बनाया है इसलिए, तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा मतलब पढ़ाई की इच्छा कम होती है, सुस्ती आती है इधर उधर, मतलब मौसम ही वो दिन से रात का कन्वर्ट होता है, तो वो जैसे मतलब परिवर्तन होता है ना एक, तो वो एक बीच वाला टाइम होता है जहाँ पढ़ाई कम होती है, हो सकता है किसी की ज्यादा होती हो वो अलग बात है। तो यहाँ पे अपन ने ऑनलाइन स्टडी इसीलिए दिया है कि यहाँ पे जब कम होती है ना वहां पे ऐसी चीज ली जाए कि वो यूजफुल हो जाए, तो यहाँ ऑनलाइन स्टडी के अंदर आप 1 घंटा काफी है, कई जना 4 घंटा मैराथन देखने वाला वास्ते वो टाइम टेबल कौन है, ठीक है, 4-4 घंटे अगर निकालते हो सोशल मीडिया पे गलत है। फिर अपन ने यहाँ आधे घंटे का वापस गैप दिया है, अब आधे घंटे का गैप इसलिए यहाँ आधे घंटे का और आगे भी आधे घंटे का, तो जहां भी खाना खाने का आपके सेट होता है उसमें देख लेना अपने हिसाब से सेट कर देना। 8:30 से 9:30 बजे तक आपको लोक प्रशासन दिया है, ठीक है, पढ़ने के लिए, अब यहाँ भले ही आप आधा घंटा बढ़ा भी सकते हो, लोक प्रशासन भी ऐसा सब्जेक्ट है जो रेगुलर पढ़ने में नहीं आता, समय देना पड़ता है, तो लोक प्रशासन, हालांकि इनमें टॉपिक कम कम है लेकिन कंसेप्चुअल होते हैं, अवधारणात्मक होते हैं, तो इनको समझने के लिए समय लगता है, ठीक है। तो 8:30 से 9:30 लोक प्रशासन हो गया, फिर आधे घंटे का गैप दिया, 10 बजे से 11 बजे तक जीके अभ्यास, अभ्यास यानी टॉपिक वाइज अभ्यास, चाहे आपके पास में कोई ऑब्जेक्टिव बुक है टॉपिक वाइज उस पर अभ्यास, या ऑनलाइन कहीं से कोई टेस्ट सीरीज ले रखी है, चाहे GGDE से ले रखी है अपने इसमें से, या कहीं से भी आपने कहीं ले रखी है, तो उस पर अभ्यास के लिए ये समय दिया है आपको 10 बजे से 11 बजे तक, क्योंकि ये समय अभ्यास के लिए किस लिए दिया है वो भी बताता हूं। ये
पिक टाइम है नींद आने का। खाना खाया है, मशीन बिजी होगी नींद आने की, मतलब एक समय होता है नींद आने का भी, यदि उस समय को हमने निकाल दिया तो हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, जब चाहेंगे तब सो सकते हैं। ठीक है, कि प्राइम टाइम होता है ना, वो प्राइम टाइम है नींद आने का। तो यहां पे आप अभ्यास करोगे ना, आपके न्यूरॉन्स एक्स्ट्रा एक्टिव होंगे, तो वो नींद वाले हावी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आप अभ्यास करें, अभ्यास करने का बहुत आनंद आता है, क्योंकि हमारा पढ़ा हुआ होता है, अब हमको कितना आता है वो हम जांचते हैं, तो वहां पे नींद आने की समस्या नहीं होती। इसी दरमियान आपके क्या होगा, नींद आने वाला समय निकल जाएगा, तो आप अपनी सिटिंग पावर को, पढ़ने की क्षमता को बढ़ा सकोगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे 11 से 12 बजे तक अपने सब्जेक्ट का अभ्यास रखा है। अब ये 2 घंटे अभ्यास के दिए हैं, रात को इसलिए दिए क्योंकि रात को नींद आती है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है आपका कोई प्राइवेट ग्रुप है, 4-5 मेंबर का जो पढ़ने वाले हैं, वहां ग्रुप डिस्कशन भी आप कर सकते हो, सिर्फ सवाल और जवाब करें वहां पे, अंदर मतलब अदर कोई भी बात नहीं, समय कहीं व्यर्थ नहीं करना है, कमेंटबाजी वगैरह में तो कहीं पढ़ना ही मत। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय व्यर्थ हो जाता है, वो अभी पता नहीं चलेगा, वो जब एग्जाम पास में आएगा तब पता चलेगा कि मैंने कितना समय वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे अभ्यास में आप देख लेना, जहां पे ज्यादा जरूरत हो आप ऊपर नीचे कर सकते हो, हो सकता है आपको ये टाइम टेबल जैसे लंबा लगे तो यहाँ पे समय कम भी कर सकते हो, सो जाना। तो यहाँ पे यदि 12 बजे भी सोते हो तो 5 बजे जैसे उठ रहे हो ना, तो 5 घंटे की आपकी नींद हो रही है। कई जना कहे गुरु जी नींद लेनी पूरी जरूरी है, मैं 1 साल से 4 घंटे, 4.5 घंटे से ज्यादा नहीं सोया हूं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई प्रभाव ऐसा कोई पड़ता नहीं है, मतलब अपने शरीर को आप जैसे डाल सकते हो, ऐसा कोई ये कोई तकलीफ देने वाली बात नहीं है। क्या होगा यदि आप 4-6 महीने अगर 5 घंटे की नींद ले लोगे तो क्या होगा, कोई आसमान तो गिरेगा नहीं, गणेश जन्म ज्ञान बांट, अरे 6 घंटे सोना चाहिए, 7 घंटे सोना चाहिए, सो जाओ, जिंदगी भर सो ही तो रहे थे, अभी तक किया क्या, सो रहे ही तो थे, जग रहे होते तो कहीं हो गए होते, तो सोने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी जिंदगी भर सोए हैं और आगे भी जिंदगी पड़ी है, यदि कहीं लग गए तो आराम से सैलरी अकाउंट में टाइम टू टाइम लगेगी ना, नींद भी अच्छी आएगी, नहीं पूरी जिंदगी नींद नहीं आने वाली है। फिर ये 5 घंटे क्या, आप भले 8 घंटे भी होंगे सोने के आपके पास, आप सो नहीं पाओगे, क्योंकि एक चिंता सताएगी कि हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा भविष्य क्या है, हमारे बच्चों का भविष्य क्या है, हमारे माँ बाप ने जो सपने देखे थे उसे हमने पूरे किए हैं कि नहीं किए हैं। तो ये चीजें हैं, यदि एक बार ही भोग देना है तो बराबर दो, अपने सिर्फ खाली खुद को पटाने के लिए, सिर्फ मतलब इसलिए नहीं पढ़ना है कि यहाँ लोग भी पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ूं, अपने खुद के लिए पढ़ना है। तो यहाँ पे यदि 5 घंटे की भी मेरे हिसाब से तो बहुत है नींद, ठीक है, 5 घंटे की नींद भी लेते हो बहुत है, यहाँ पे भी 2 घंटे, यहाँ 1 घंटा पर यहाँ भी दिया, 6 घंटे की नींद हो रही है। ठीक है, इससे ज्यादा तो क्या सो गए थे, कई जना कहे मेरे सोने के लिए भी समय दी, अरे इससे ज्यादा तो सो लिए तो सोते ही रहना, फिर दूसरे बैठे हैं जगने वाले, सिलेक्शन लेने वाले जगेंगे। ठीक है, तो ये है भोग देना है, मान लीजिए, मान के चलो ये 6 महीने, मतलब आपके ये टाइम टेबल है ना, आपको कम से कम 3 महीने फॉलो करना है। ठीक है, 3 माह के बाद टाइम टेबल में वापस बदलाव होगा, क्योंकि अब आप जब उस कंडीशन में आ जाओगे जब आपका बहुत बढ़िया रिवीजन हो, रिवीजन का दौर चलेगा और फिर वो टाइम टेबल बदलाव होगा, फिर अभ्यास के अंदर भी बदलाव आएगा, सब कुछ बदलाव आएगा, तो वहां पे वापस टाइम टेबल बदलने की आवश्यकता महसूस होगी। साथियों, मैंने मेरा प्रयास किया है कि हर एक वो पहलू कि ये टाइम टेबल है तो क्यों है और कैसे इसके अंदर मतलब मनोवैज्ञानिक प्रभाव कैसे पड़ते हैं, पढ़ने का कौन सा पिक टाइम होता है, कौन सा नहीं होता है, सभी उसको ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, जो भी बदलाव लगे उसे कर सकते हैं। यदि लगे 13 घंटे बहुत ज्यादा है, आप 10 घंटे का बनाओ, 8 घंटे का बनाओ, 9 घंटे का बनाओ, भले बनाओ मत, डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो, मतलब अपनी अपनी देखो पढ़ने की और ये सब चीजें जो है अपने ऊपर निर्भर करती है, व्यक्तिगत भिन्नता इस पे काम आती है। तो मेरे हिसाब से मैंने बताया, हो सकता है किसी को शूट करे, हुबहू भी फॉलो कर सकता है। ठीक है, फिर बाद में ये वाले सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे 4 SST के अंदर, तो फिर बाद में इसके अंदर दूसरे सब्जेक्ट ऐड करके और ये रिवीजन वाले में चले जाएंगे, रिवीजन का टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये चीजें इस तरीके से बदलाव करना पड़ेगा, बता दूंगा जब बदलाव का समय आएगा तब भी बता दूंगा। मैंने मेरी कोशिश किया, फिर भी हो सकता है मंदबुद्धि बालक हूं, कहीं बताने में गलती रह गई हो या जो भी है, देख लेंगे, घर की बात है। ठीक है, मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।